बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इम्पॉर्टेंस क्या है मार्केटर्स के लिए और ये कैसे हेल्प करती है हमारे मार्केटिंग डिसीजंस में। तो जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस हैं, जस्ट लाइक अ कर्व जिस तरह मेरा हैंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वी हैव लाइक इंट्रोडक्शन स्टेज, तो थोड़ा सा फिर आगे जैसे ग्रोथ स्टेज, फिर एक मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है, देन इट्स डिक्लाइनिंग स्टेज। तो बेसिकली प्रोडक्ट हैज़ फोर स्टेजेस, या आप इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट्स का ये फोर स्टेजेस से जब ये कंप्लीट होता है तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हर स्टेज जो है, हर प्रोडक्ट जो है वो इन स्टेजेस से गुजरती है प्रोडक्ट, तो जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये एवरी प्रोडक्ट पासिस थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, बट द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेजेस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स इतनी मार्केट में एक्सेप्टेंस है कि दे आर इन द ग्रोथ स्टेज, उनकी ग्रोथ स्टेज शायद पता चले चंद सालों तक शामिल है, और पता चले जब वो मेच्योरिटी को पहुंचे जो पता चले 15-20 साल वो मेच्योरिटी की स्टेज में ही जा रही है, देन देर आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने इन थी मार्केट में, आज भी इन है, जिस तरह लक्स देख लें, बड़ी उन्होंने मार्केट ग्रैब कर ली है, आज भी मार्केट में सर्वाइव करें। आप उनका लाइफ साइकिल देखें, इज कंसिस्ट ऑफ सो मैनी ईयर्स। तो इसीलिए हमने अपनी प्रोडक्ट्स की स्टेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केटर किसी भी अपनी प्रोडक्ट की स्टेज को नहीं जान पाएगा तो शायद वो अपने मार्केटिंग डिसीजंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं ले सकता। अब हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग डिसीजंस कौन से होते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वी कॉल इट मार्केटिंग डिसीजंस। अब एज ए मार्केटर और एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम मेरे ख्याल में इसी तरह के ही डिसीजन करते हैं। कभी हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कभी हम उनके फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और सम टाइम हम उनकी प्राइसिंग को सेट कर रहे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिसीजन कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हमने ये चार पांच डिसीजन ही करने होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन रिलेटेड डिसीजंस। तो अब इन डिसीजंस को करने के लिए या अप्रोप्रिएटली करने के लिए मार्केटर्स को अपनी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल स्टेजेस का आइडिया होना चाहिए। अगर मार्केटर्स को प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल स्टेजेस का आइडिया है तो वो डिसीजंस बड़े अप्रोप्रिएटली कर सकता है या रेलेवेंट डिसीजन कर सकता है। तो आज हम ये देखते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अगर स्टेज चेंज होती है तो हमारे मार्केटिंग डिसीजंस भी कैसे चेंज हो जाते हैं। हम इस वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे और मेरे ख्याल में आफ्टर दिस वीडियो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग डिसीजंस। तो हम हर स्टेज को इन चारों मार्केटिंग डिसीजन से लिंक करते हैं और देखते हैं। तो लेट्स स्टेज, तो पहली हमारी ही इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड स्टेज है ग्रोथ, देन मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। अब हम पहली स्टेज को लेते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसको लिंक करते हैं प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हमने ये चार अपने जो डिसीजंस है ना वो एक साइड पे लिख लिए, जो मार्केटिंग डिसीजंस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन रिलेटेड डिसीजंस को हमने एक साइड पे लिख लिए, और देन लाइफ स्टेजेस को हम इधर लिख लिए, आगे टॉप पे लिख लें। अब हम इसको देखते हैं। अगर प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो प्रोडक्ट बेसिकली एक रॉ फॉर्म में है, अब कोई वो अभी ब्रांड नहीं बना, तो बेसिक स्टेज पे है द प्रोडक्ट्स एट द बेसिक स्टेज। और इसमें हम
अगर हम अपनी प्राइसिंग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो अब प्रमोशन में हमें क्या करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, तो हमें क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोग ट्रायल रहें, कि हमारी प्रोडक्ट को लोग ट्राई करें ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। तो अब देखिए प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे, क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट ट्रायल्स को, दैट इज आर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन अब पूरे पाकिस्तान में तो नहीं हम लॉन्च कर पाएंगे, हर जगह पे तो नहीं लॉन्च कर सकते, तो डेफिनेटली हमने कोई डिसाइड करना होगा कोई एरिया जिधर हमें स्टार्ट में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। तो इट मींस हम पैची डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पैची डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि हम कहीं छोटे से एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, साहिवाल में एक पर्टिकुलर एरिया में हम उसको लॉन्च कर देंगे, तो पैची डिस्ट्रीब्यूशन। या लाहौर में से हमारा कोई बिजनेस है तो हम लाहौर में किसी एक एरिया में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, तो पैची डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट बेसिक स्टेज की है, प्रमोशन के हिसाब से हमने देखा कि अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो तो हमारा प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और ट्रायल को प्रमोट करें, और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स में हमें पैची डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक जगह पे हमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना चाहिए। अगर हम प्राइसिंग की बात करें जो कि हमारा फोर्थ मार्केटिंग डिसीजन है, तो प्राइसिंग हमें स्टार्ट में रिलेटिवली हाई रख सकते हैं, तो हम रिलेटिवली हाई प्राइस रख सकते हैं ताकि लोगों की जब एक्सेप्टेंस आए तो फिर हम प्राइसेस में चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये अब आपने देखा कि देखें अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो हमारे मार्केटिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट को देखें तो लाइक बेसिक, प्रमोशन में तो क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट ट्रायल्स, डिस्ट्रीब्यूशन पैची डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइसिंग हम स्लाइटली हाई रख सकते हैं स्टार्ट में। और हमारा जो ब्रांड का लाइक ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम ब्रांड की लाइक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस। ये हमारा ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब जो भी ब्रांड हमने बना लिया, प्रोडक्ट बना लिए, तो उसकी हम अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा इस ब्रांड को बताएं कि अच्छा ये ब्रांड है जी, ये मोबाइल फ़ोन हम बेच रहे हैं, ABC मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं या वीवो मोबाइल्स हैं। तो हमारी ब्रांड अवेयरनेस स्टेज होगी, हमें क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रायल करना चाहिए। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में देखा। अब हम तो देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट उससे अगली स्टेज पे आ गई, दैट इज ग्रोथ स्टेज, दैट इज ग्रोथ स्टेज। अब जब हमारी प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में जा रही है, इट मीन मार्केट में ग्रोथ उसको मिल रही है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। जब किसी भी चीज की मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो फिर और कंपेटिटर भी एंटर हो जाते हैं मार्केट में, फिर उसी तरह की प्रोडक्ट कंपेटिटर भी बनाना शुरू कर देते हैं। आप अभी अपने मार्केट में देखा करें, अगर कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, लोग उधर देख लेते हैं कि इधर भाई कस्टमर का आना जाना है, रश है, तो लोग क्या करते हैं, उसी तरह का बिजनेस साथ एक और शॉप ओपन कर देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ग्रोथ हो रही है मार्केट में। जब जैसी ग्रोथ होती है तो न्यू एंट्रेंट्स भी आ जाते हैं मार्केट में, अब पता नहीं चलता कि असल कौन है और नकल कौन है। तो अगर इस तरह की स्टेज है तो आपको अगर प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम योर काउंटर पार्ट्स, फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। तो आप प्रोडक्ट्स में देखें तो पहले प्रोडक्ट बेसिक स्टेज पे थी, अब फिर आप नेक्स्ट जैसे ग्रोथ में गई तो अब आपने लोगों को बताना है कि वी आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम पायनियर हैं, हम पहली वो शॉप हैं, हम वो पहले लोग हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे, हम वो पहले लोग हैं जो आपकी नीड को मीट कर रहे थे। इट मींस प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन, अब हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर प्रमोशन के हिसाब से देखें तो अगेन क्योंकि ग्रोथ हो रही है, हमने अवेयरनेस फिर क्रिएट करनी होगी, हमें लोग ट्रायल को, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, नए कस्टमर भी आ रहे हैं तो उनको प्रमोट करना है ट्रायल के लिए। लेकिन ग्रोथ स्टेज में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले बाय कर चुके होंगे, तो हमने रीपर्चेज भी मोटिवेट करना है फॉर रीपर्चेज के लिए। तो हमारी प्रमोशन जो है, पहले स्टेज में हमने क्या कर रहे थे, जस्ट क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रायल। अब जैसे ग्रोथ में गई तो हम क्रिएट अवेयरनेस भी कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, वी आर प्रमोटिंग ट्रायल्स एंड वी आर प्रमोटिंग रीपर्चेजेस। तो प्रमोशन में हमारे ऑब्जेक्टिव स्लाइटली डिफरेंट हो गए हैं इंट्रोडक्शन स्टेज से। प्राइसेस क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो अब हम प्राइसेस को कम भी कर सकते हैं, लोअर कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन,
पहले हमने पैची डिस्ट्रीब्यूशन की थी साहिवाल में एक एरिया में या लाहौर में किसी एक एरिया में, अब हमें क्योंकि ग्रोथ मिल रही है तो अब हमें क्या करना है, मार्केट को वाइडर करते चले जाए। वी नीड टू एक्सपैंड द मार्केट, वी नीड टू वाइडर आर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले एक जगह पे कर रहे तो आप पांच छह जगह पे कर दो डिस्ट्रीब्यूशन, 10 जगह पे कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन को आप वाइडर करना होगा। अगर ब्रांड के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो पहले हमने क्या कहा था, हम क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, अब हम क्या करेंगे ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में कि हम प्रीफरेंसेस, ब्रांड प्रीफरेंसेस, क्योंकि देखे ना मार्केट में पहले तो हम एक ही थे, जैसे मार्केट में ग्रोथ हुई लोग और एंटर होने लग गए, तो एक तो हमने डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन की कि हम भाई आप दूसरे लोगों से इस तरीके से डिफरेंट है। फिर ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हम ब्रांड प्रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे कि पीपल शुड प्रीफर आवर ब्रांड, तो ब्रांड प्रेफरेंसेस की तरफ हम चले जाएंगे। तो ब्रांड ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ब्रांड प्रेफरेंसेस होगा। अब चले हम थर्ड स्टेज पे आ गए, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज में अब ये मैक्सिमम है कि ब्रांड की एक्सेप्टेंस और ब्रांड बाइंग और लाइक इस तरह की जो चीजें हैं, तो अब हमने कोशिश करना है कि हम अगेन अपनी प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव टू कीप आर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर काउंटर पार्ट्स एंड फ्रॉम आर कंपेटिटर्स। जी आपने मेंटेन रखनी है कि आवर प्रोडक्ट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर काउंटर पार्ट्स। प्रमोशन की बात करें तो भाई अब आपने अपनी अवेयरनेस के लेवल को मेंटेन करना है, और अब ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल आपकी ग्रोथ में हो चुका है, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अवेयरनेस को मेंटेन करें एंड देन रीपरचेज, मोटिवेट रीपरचेजेस। अब देखें हमारी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, स्टार्ट में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे और हम ट्रायल की तरफ मोटिवेट कर रहे थे, देन जैसी नेक्स्ट स्टेज पे गए तो हमारे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, वो तो हमने क्या कर लिया कि अच्छा हमने क्रिएट अवेयरनेस, ट्रायल, क्रिएट ट्रायल एंड रीपरचेज के लिए। अब मैच्योरिटी स्टेज में हम कहेंगे मेंटेन्ड अवेयरनेस एंड उसको रीपरचेज हम मोटिवेट करेंगे फॉर रीपरचेज के, प्राइस को लो रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट आप कैप्चर कर सकें। और देन डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैच्योरिटी से तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, हर जगह पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे जैसे चेंज हो रहा है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी प्रोडक्ट, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी चेंज हो रही। और फाइनली, और अगर ब्रांड ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें होना चाहिए कि ब्रांड लॉयलिटी, कि लोग बस जो बाय कर रहे थे हमारी प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल हो जाए, ब्रांड लॉयलिटी हमें क्रिएट करनी है। तो हमारी जो ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में हमें ब्रांड लॉयलिटी, प्रोडक्ट के केस में हमें डिफरेंशिएटेड, वी नीड टू कीप आर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर कंपेटिटर्स। अब फाइनली डिक्लाइन स्टेज, अब अगर डिक्लाइन स्टेज की तरफ हम जाए देखें तो अब प्रोडक्ट नीचे आ रही, इट्स मीन कि जितनी उसने मेच्योरिटी गेन करनी थी, सेल्स होनी थी, अब उससे नीचे जा रही। अब अगर हम प्रमोशन के हिसाब से बात करें तो प्रमोशन करने का फायदा नहीं है कि प्रोडक्ट इज गेटिंग डाउन। अब फिर हम क्या करें, अपनी प्रमोशन को एलिमिनेट कर दें, कट कर दें, अपनी प्रमोशन करनी, प्रमोशन को एलिमिनेट कर दें, प्रमोशन को कट कर दें। और डिस्ट्रीब्यूशन भी अब इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट नीचे जा रही, बंद हो रही है, तो अब भाई सेलेक्टिव कर लें, आप साहिवाल में चंद जगह पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, कि अच्छा अच्छा इन इन पॉइंट्स पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, कि जो लॉयल लोग हैं जो बाय करना चाहते हैं तो वहां से जाके बाय कर लें, तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर लें और प्राइसिंग हाई कर लें, क्योंकि सेलेक्टिव जगह पे अवेलेबल है, एंड देन प्राइसेस आप थोड़ी सी आप भी कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फिर ये हो सकता है, सॉरी ब्रांड ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि ब्रांड एक्सप्लाइटेशन जितना हो सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा आप ले लें। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रही थी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग स्टेज पे, तो हमारे मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे थे। तो अब देखें, आपको लिंक समझ आ गया होगा कि देखें मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस बेसिकली लिंक्ड है विद द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जब तक हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अपनी स्टेजेस का आइडिया नहीं होगा, हम शायद अपने मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर पाएंगे। तो एज ए मार्केटर मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप
सबसे पहला काम ये करें कि आपने असेस करें कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी स्टेजेस पे है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी स्टेजेस पे हैं, फिर उन स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आप हर ब्रांड की अलग से मार्केटिंग कंपेन डिजाइन करें या मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करें, फिर आपको आसानी होगी। अदरवाइज समटाइम मैंने ऐसे भी देखा है कि प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में और लोग अंधाधुंध उस पर मार्केटिंग एफर्ट किए जा रहे हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स किए जा रहे हैं, भाई वो प्रोडक्ट डाई होने वाली है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जितनी मर्जी प्रमोशन कर लें, वो आप प्रोडक्ट ने नीचे ही जाना है उसका, क्योंकि अल्टरनेटिव मार्केट में अच्छा आ चुका है। जब अल्टरनेटिव बेटर है हमारी प्रोडक्ट से, हमारी हमारा सोल्यूशन से, तो लोग उसकी तरफ जाएंगे, तो हमें उसको उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए। अब इसको अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम कोशिश करेंगे बिल्ड स्ट्रेटेजी को, उस पर लगाएं, इन्वेस्ट करें। ग्रोथ स्टेज में भी हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, मेच्योरिटी में हम होल्ड कर लेंगे, और डिक्लाइन में हार्वेस्ट कर देंगे, कट करेंगे, वहां से पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली ये आप अगले हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजिक चॉइस जो जो कॉरपोरेट लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उसमें होल्ड एंड बिल्ड एंड हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट स्ट्रेटजीज, तो उसको देख लिंक किया जाए तो हमने वो भी इसमें देख लिया है। फाइन, आई होप कि आपको ये लिंक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में और मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इसको कीप वॉचिंग EBE फोरम विद डॉक्टर बारिश अली।